नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का आपके चैनल यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुकुल पर। दोस्तों, चैनल का नाम मैंने बदल दिया है। पहले ये हार जीके टाट जीके हुआ करता था, अब एग्जाम गुरुकुल है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के टॉप 100 प्रश्नों की सीरीज का तीसरा भाग। पहले के दो भाग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, एक सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप सब वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा और पूरा का पूरा लाभ उठाइएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर 51, यानी क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 इसलिए क्योंकि पार्ट टू भाग दो भाग पहले ही ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उसमें 50 क्वेश्चन हैं। तो 51 शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, यहाँ 51 निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, या निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछा है निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, वो आपका हो जाएगा अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, अवक्षेपण। तो याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम से कुछ देखने को मिलता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं द्रव्यमान संख्या। जी हाँ, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्याओं का योगफल होता है। आप सभी इसे याद रखिएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज किए थे रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी आप सब याद रखिएगा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यंजक चूर क्या है, व्यंजक चूर क्या है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यौगिक है। व्यंजक चूर क्या है, एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके जंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यंजक चूर क्या है, एक यौगिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु क्या है। जी आपको बताना है वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन अभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु क्या है, मिश्रण है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है वायु। अगला सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके जंक्शन के लिए। निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, वो आपका है लेड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेड, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा आप सब। अगला सवाल कर लेते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका तत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ये बताना है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है, तो है आपका ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, वो है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा आप सब। अगला सवाल करते हैं, क्लोरोफार्म का क्वथनांक कितना होता है।
जी हाँ, क्लोरोफार्म का क्वथनांक कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 334 केल्विन होता है। क्लोरोफार्म का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 334 केल्विन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल करते हैं, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, हीरा भी है, फुलेरिन भी है और ग्रेफाइट भी है, ये सभी किसके अपरूप हैं? कार्बन के अपरूप हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कार्बन के अपरूप कौन है? तो वो सभी हैं, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, ग्रेफाइट भी है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला सवाल देखते हैं, कापर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कापर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कापर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, कॉपर ऑक्साइड। तो याद रखिएगा इसे आप लोग। अगला सवाल है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? जी हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो करेक्ट आंसर है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांसा, ऑप्शन नंबर सी, ताम्र और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? वहाँ पर करेक्ट आंसर है मरकरी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरकरी द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, याद रखिएगा, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी पाई जाती है। अगला सवाल करते हैं, सोडियम लिथियम कैल्शियम और निकेल, जी हाँ, चार धातुएं दी गई हैं, सोडियम लिथियम कैल्शियम और निकेल, इनमें से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम, सोडियम को चाकू से भी हम लोग काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह होते हैं? जी आपको बताना है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वे कैसे होते हैं? तो वो होते हैं क्षारी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्षारी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वे क्षारी होते हैं, याद रखिएगा आप सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तन्यता, ऑप्शन नंबर ए, वो है तन्यता के कारण, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं, एलुमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? एलुमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, एलुमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा होती है। अगला सवाल कर लेते हैं,
मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके? जी हाँ, मुंह साफ करने के लिए मंजन का व्यवहार करना चाहिए, मंजन का उपयोग करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके। तो आपका है क्षारकी दंत मंजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्षारकी दंत मंजन। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। अगला सवाल करते हैं, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच मान से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नींबू के रस में रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.2 होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 2.2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्सर्जित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वेत चमकदार। श्वेत चमकदार ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो लौ कैसी होती है? श्वेत चमकदार होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, आपको बताना है जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा कैसे होते हैं? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन में भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी एग्जामिनेशन में आ सकता है क्वेश्चन, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न यानी टॉप 100 प्रश्नों की सीरीज का तीसरा भाग था। 75 क्वेश्चन अब तक हम लोग देख चुके हैं, अंतिम 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।